जो एसएसपी का ये जो प्रयास है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं और कितना प्रभावशाली है? उनके सामाजिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो पूरा इंटायर जो वर्कआउट हो रहा है? जैसे कि बहुत पिछड़ा जिला है सर, इसमें ये बहुत ध्यान देने वाला कदम है जिससे हम खुद को किसी काबिल समझ सकेंगे। हम अगर सिलाई कर रहे हैं तो हम इससे पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी जी। आप तो इन बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे रही हैं, उन लोगों को कैसे ट्रेनिंग दे रही हैं, और ये कितने दिनों की ट्रेनिंग है? ये 30 दिन की ट्रेनिंग है और हम इन्हें सलवार कुर्ता सारी चीजें इनको हम सिखा रहे हैं। इसके द्वारा इनको सारी कुर्ते यहाँ से मिल रही हैं, सारे कमरे मिल रहे हैं, यहाँ तक बुक की जो ट्रेनिंग की बुक है वो भी इनको दी जा रही है। होम पूरा बुक ये डिजाइनर के तरीके से ये अपना इसको बढ़ा सकते हैं। निरंतर सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक चेतना अभियान के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के में निवास करने वाले लोगों को जागरूक करने का काम करती रहती है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए भी तमाम कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जिसमें जानवरों की चिकित्सा के लिए गांव-गांव कैंप लगाए जाते हैं, मनुष्यों के जाँच एवं उपचार के लिए। इसके अलावा जो सबसे अहम इनका मोटिव है, सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को जागरूक करना, देश के प्रति उनके जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में अवगत कराना सरकार का जो उद्देश्य है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हर हाथ को हुनर, हर हाथ को काम, उस दिशा में भी सशस्त्र सीमा बल ने हाथ आगे बढ़ाया है। आज यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया है, साथ ही साथ एक सिलाई केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए, खासतौर से बेटियों के लिए जो है, ये वरदान साबित होगा। इन्होंने दो कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है, एक तो कंप्यूटर और लाइब्रेरी का, दूसरा सिलाई प्रशिक्षण का। ये प्रशिक्षण और उसके बाद में जो महिलाएं ट्रेनिंग कर रही हैं उनको सिलाई मशीन और उसके साथ में किट दे दिया जाएगा। ये स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे और एसएसबी इस तरह के कार्यक्रम पूरे सीमांत क्षेत्र में करता रहता है।